नमस्कार दोस्तों, मैं नविता आपका अपने चैनल नवी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। यूनिट 11 के बाद आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 12 जो कि है सोशल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सोशियोलॉजी हेल्प्स अस टू, समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। विकल्प फर्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल चेंज इन द सोसाइटी, समाज में सामाजिक परिवर्तन के जटिल सेट को समझने में। ऑप्शन बी इज टू रेजिस्ट सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने के लिए। ऑप्शन सी इज प्रमोट सोशल चेंज इन द सोसाइटी, कि ये समाज में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, कि उपरोक्त में से कोई भी जवाब जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, कि सोशियोलॉजी जो है, समाजशास्त्र जो है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल चेंज इन द सोसाइटी, समाज में सामाजिक परिवर्तन के जटिल सेट को समझने में ये हमारी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल चेंज, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि जैविक और भौगोलिक कारक। ऑप्शन बी इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि तकनीकी कारक। ऑप्शन सी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक। या ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी ही है, कि जो भी फैक्टर्स दिए गए थे, बायोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स जो है ये सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं। ये कारक मुख्य रूप से विभिन्न समाजों में और अलग अलग समय में परिवर्तन की दर और प्रकृति के अंतर के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इवोल्यूशनरी थ्योरीज व्यू सोशल चेंज एज, विकासवादी सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को निम्न मानते हैं, क्या मानते हैं? ऑप्शन ए इज डिके यानी क्षय, ऑप्शन बी इज प्रोग्रेस यानी प्रगति, ऑप्शन सी इज एंटी सोसाइटी समाज विरोधी से मानते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो उपरोक्त सभी मानते हैं। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी प्रोग्रेस, कि इवोल्यूशनरी जो थ्योरीज हैं, विकासवादी सिद्धांत जो है वो सामाजिक परिवर्तन को प्रगति मानते हैं, प्रगतिशील ये मानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज और आर द स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्रू विच ऑल सोसाइटीज पास्ड एज प्रोपाउंडेड बाय द ऑगस्ट कॉन्टे, अ फ्रेंच स्कॉलर एंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, कि निम्नलिखित में से कौन सा वो चरण है या कौन से वो चरण है जो विकास के चरण है जिसके माध्यम से सभी समाज, जैसे कि अगस्त कॉम्टे जी ने बताया है जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान और समाजशास्त्र के संस्थापक हैं, उन्होंने इसको पारित किया है। चार विकल्प हैं आपके पास। ऑप्शन ए है द थियोलॉजिकल स्टेज, धर्मशास्त्रीय चरण। ऑप्शन बी इज मेटाफिजिकल स्टेज, तत्व मीमांसा चरण। ऑप्शन सी इज द पॉजिटिव और द साइंटिफिक स्टेज, सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो, कि उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी ही है, कि ये सारी स्टेजेस थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और द साइंटिफिक स्टेज, ये तीनों जो है ये स्टेजेस हैं सोसाइटी जिनके थ्रू जो है सोसाइटी की ग्रोथ होती है। और ये किसने पारित किया था? अगस्त कॉम्टे जी ने। और आपको इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से, कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो सोशियोलॉजी के फाउंडर किन्हें माना जाता है? अगस्त कॉम्टे को, और ये एक फ्रेंच स्कॉलर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइक्लिकल थ्योरीज अज्यूम दैट सोसाइटी, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो चक्रीय सिद्धांत है वो मानते हैं कि समाज जो है, ऑप्शन ए पासेस थ्रू वन स्टेज, कि एक चरण से ये गुजरता है। ऑप्शन बी इज इट पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज, चरणों की एक श्रृंखला से ये गुजरता है। ऑप्शन सी इज इट पासेस थ्रू टू स्टेजेस, दो चरणों से होकर गुजरता है। या ऑप्शन डी इट पासेस थ्रू नो स्टेज, कि ये किसी भी चरण से नहीं गुजरता। तो सही जवाब जो है कि साइक्लिक थ्योरीज जो है वो ये मानती हैं कि जो सोसाइटी है वो आपकी इस सीरीज ऑफ स्टेजेस से, एक जो चरण है उनकी एक श्रृंखला से वो गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस डायलेक्टिकल पैटर्न ऑफ चेंज टू सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ चेंज। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि परिवर्तन के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परिवर्तन का द्वंद्वात्मक पैटर्न पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चार विकल्प आपके पास हैं, कार्ल मार्क्स, क्रोबेबर, हेनरी मॉर्गन या हर्बर्ट स्पेंसर। सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द डायलेक्टिकल पैटर्न ऑफ चेंज टू सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ चेंज।
और इस अवधारणा का विश्लेषण पहले ही जर्मन जो दार्शनिक हैं, जर्मन फिलोसफर जो हैं, G.W.F. हेगल वो कर चुके थे, और इसके बाद इसका इस धारणा को जो इंट्रोड्यूस करवाया था अच्छे से वो करवाया था कार्ल मार्क्स ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंज इन, कि सामाजिक परिवर्तन जो है उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी, कि समाज में लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन सच एज एज और सेक्स, कि किसी समाज की सामाजिक संरचना और संबंधों में परिवर्तन होना सोशल चेंज होता है। ऑप्शन सी इज चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ द सोसाइटी, कि किसी समाज की सामाजिक संरचना और संबंधों में परिवर्तन है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, कि सोशल चेंज जो होता है वो होता है सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी में रिलेशनशिप्स में चेंज होना। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशनरी सोशल चेंजेस, इसमें आपको बताना है कि क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, या कौन से वो कथन है जो सही है। ऑप्शन ए आपके पास है कि दीज आर लार्ज स्केल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी और द स्टेट, कि समाज या राज्य की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं। ऑप्शन बी इज दीज जनरली मीन मेजर और कंप्लीट ऑल्टरेशन इन द एंटायर बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये आमतौर पर किसी समाज की संरचना में संपूर्ण आधार में बड़े या पूर्ण परिवर्तन का मतलब है। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कि दोनों ही विकल्प ए और बी वो सही है, या ऑप्शन डी कि ना ए और ना बी जो है वो सही है। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा आपका, कि क्रांतिकारी जो सामाजिक परिवर्तन है ये समाज या राज्य की जो संरचना है उसमें बड़े पैमाने पर ये बदलाव लाते हैं, और आमतौर पर किसी समाज की संरचना के संपूर्ण आधार में बहुत बड़ा ये परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें सामाजिक परिवर्तन के संबंध में गलत कथन आपको पहचानना है। ऑप्शन ए इज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन से निकटता से ये संबंधित होता है। ऑप्शन बी कहता है कि इट इज अ रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशल चेंज, कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक उग्र रूप है। ऑप्शन सी कहता है कि इट इज अ मोर अब्रप्ट चेंज ऑफ सोसाइटी और स्टेट यूजुअली एट लार्ज स्केल, यह आमतौर पर बड़े पैमाने पर समाज या राज्य का एक अधिक अचानक परिवर्तन है। यह ऑप्शन डी डज नॉट ऑल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विद इन लिमिटेड टाइम, कि यह सीमित समय के भीतर लोगों के जीवन के तरीके में बदलाव नहीं करता। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सिलेक्ट करनी थी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है आपकी ऑप्शन डी, कि ये जो है सीमित समय में बदलाव नहीं करता, ये इसकी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये चेंज लाने के लिए ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बाकी जो जवाब थे वो इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स थी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डैश रेफर्स टू अ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम वेयर कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड ऑन्ड स्पेशली बाय द इंडिविजुअल्स एंड कॉम्पिटिटिवली सोल्ड फॉर प्रॉफिट, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है प्रोसेस वो एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करती है जहां वस्तुओं का उत्पादन और स्वामित्व विशेष रूप से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कॉम्पिटिटिव फॉर्म से लाभ के लिए इसको बेचा जाता है। तो चार विकल्प आपके पास है, ऑप्शन ए इज कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, ऑप्शन बी इज कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी इज लिबरलिज्म उदारवाद, या ऑप्शन डी फंक्शनलिज्म कार्यात्मकता। तो इसका सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए कैपिटलिज्म। पूंजीवाद जो होता है वो एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ कमोडिटीज जो है जो वस्तुएं हैं वो बनाई जाती हैं और लाभ के लिए ये बेची जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, नेचुरल डिजास्टर्स कैन कॉज, इसमें आपको बताना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो किस चीज का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल चेंजेस का, पर्यावरण परिवर्तन का, ऑप्शन बी सोशल चेंजेस सामाजिक परिवर्तन का, या इन दोनों का, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल डिजास्टर्स जो होती हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी उनकी वजह से ऑकर होते हैं और वो सोशल चेंजेस का भी कारण बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का वो है क्वेश्चन नंबर 12, द बिलीफ दैट वंस ओन टाइम द प्रेजेंट और द कंटेंपरेरी आर मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट और फ्यूचर इज, इसमें आपको बताना है कि उस विश्वास को हम क्या कहते हैं जिसमें किसी का अपना समय वर्तमान जो या समकालीन
अतीत या भविष्य की तुलना में वर्तमान समय जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। चार विकल्प आपके पास है, ए लिबरलिज्म उदारवाद, ऑप्शन बी रेडिकलिज्म कट्टरपंथी, ऑप्शन सी टेम्पेरोसेंट्रिज्म या ऑप्शन डी स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी टेम्पेरोसेंट्रिज्म। टेम्पेरोसेंट्रिज्म जो होता है ये एक बिलीफ होती है कि सब अपना ये मानते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम है वो हमारे पास्ट या फ्यूचर टाइम से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये यूनिट जो थी इसके मेन जो MCQs थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।